इधर देखना एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज ए ठीक है। एक्सरसाइज ए में पहला क्वेश्चन देखना, इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है हमको। क्वेश्चन नंबर वन दिया हुआ है हमको, ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्मॉल लेटर में, एक्स प्लस वाई फिर वन इधर जेड इधर एक्स माइनस वाई फिर ये कॉमा बी इक्वल टू थ्री टू वन सेवन। ये हमको दिया कि ए बराबर ये है बी बराबर ये दिया हुआ है ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोला कि यदि ए और बी समान है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या चीज बोला है, ए और बी अगर इक्वल है तो ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर ऐसा लिख सकते इफ ए इक्वल टू बी ठीक है, ए और बी बराबर है तो क्या होगा, ये दोनों मैट्रिक्स इसको मैट्रिक्स बोलते हैं ना इसको हम लोग, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में है ये ठीक है अभी में। तो ए का वैल्यू कितना है एक्स प्लस वाई वन जेड एक्स माइनस वाई ठीक है, बराबर बी की वैल्यू कितनी है थ्री टू वन सेवन, क्लियर इतना ठीक है। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है थ्री, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितनी है तीन, वैसे जेड इक्वल टू कितना है दो, जेड बराबर दो तो जेड की वैल्यू तो आ गई। ऐसे ही एक्स माइनस वाई कितना है सेवन, जैसे यहाँ पे जेड थ्री है ना ये एक्स प्लस वाई तीन, जैसे एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना है सेवन, एक्स माइनस वाई इक्वल टू सेवन। तो यहाँ हमारी जेड की वैल्यू निकल गई जेड बराबर टू, हमको निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू, इसको देते इक्वेशन वन इसको देते इक्वेशन टू, क्योंकि इसकी जरूरत तो है नहीं हमको ना जेड की ठीक है। तो समीकरण एक प्लस में एक माइनस में, तो एक से दो को जोड़ दो ऐड कर दो ठीक है, समीकरण एक में दो को जोड़ने पर, समीकरण एक व दो को जोड़ने पर ठीक है, एडिंग द इक्वेशन वन एंड टू ठीक है, वन और टू को क्या कर रहे हैं हम लोग ऐड कर रहे हैं ठीक है, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू थ्री, और ये हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू सेवन। अगर ये भी प्लस में ये भी प्लस में होता तो मैं माइनस करता ठीक है, ऑलरेडी एक माइनस था अगर मैंने प्लस कर दिया इसको, y से y कट गया प्लस माइनस अलग अलग टाइम, x x कितना हो गया 2x, 3 और 7 कितना हो गया 10, x इक्वल टू 10, ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो आप, अब जो x इक्वल टू जो 5 है इसको इक्वेशन 1 और 2 कहीं भी आप रख सकते हो, वन में रख देते कि वन प्रो प्लस प्लस वाला है ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन ठीक है, समीकरण एक में एक्स बराबर पांच रखने पर, एक्स बराबर पांच समीकरण एक रखने पर, जैसा भी है समीकरण एक में एक्स बराबर पांच रखने पर, तो ये हो जाएगा हमारे क्या था एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री था ना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री था ये ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हमारी फाइव, फाइव प्लस वाई इक्वल टू थ्री, और फाइव था जाए क्या जाएगा वो माइनस टू में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे कर देते हैं और तो जाएगा हमारा वाई इक्वल टू ये फाइव प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस फाइव, वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस टू ठीक है आ गया, अतः
इट इज मीन्स द हेल्थ एक्स इज इक्वल टू फाइव वाई इक्वल टू माइनस टू और जेड इक्वल टू कितना है टू। जेड की वैल्यू तो पहले से टू आ गई थी, ठीक है आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर टू देख लेना, टू में हमारा दिया हुआ है दोनों बराबर दिया है, इफ यहाँ ए और बी करके नहीं दिया हुआ है, ठीक है तो दो की जगह मैं कहूँगा पहले तीन बताता हूँ ना, तीन बताते हम लोग क्योंकि वो सेकंड से फर्स्ट वाले से मिलता जुलता है, ठीक है। ए इक्वल टू दिया हमको क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई और नीचे में है एक्स माइनस वाई, फिर है टू जेड, टू जेड प्लस डब्लू अरे जेड माइनस डब्लू, ठीक है कॉमा। बी इक्वल टू दिया क्वेश्चन में थ्री फाइव वन फोर, ठीक है इफ ए इक्वल टू बी, यदि ए बराबर बी हो, ठीक है तो इधर भी क्या होगा आपस में बराबर होगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई टू जेड प्लस डब्लू जेड प्लस डब्लू माइनस ए, हाँ माइनस ए, ये हो जाएगा थ्री फाइव वन फोर, थोड़ा सा दूर में लिखा ना तो 35 लगेगा वो और गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है इसकी वैल्यू में ये इसकी में ये इसका, ठीक है तो x प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री, एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री, एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन, ठीक है फिर टू जेड प्लस डब्लू इक्वल टू फाइव, टू जेड प्लस डब्लू इक्वल टू फाइव, जेड माइनस डब्लू इक्वल टू फोर, वन टू इक्वेशन थ्री इक्वेशन फोर, ठीक है तो समीकरण एक व दो से ऐसा भी लिख सकते हो एक व दो से, ठीक है या फिर दोनों को जोड़ने पर लिखे, समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, ठीक है एडिंग द क्वेश्चन वन एंड टू, ये वाला टू लिखे ना हम लोग वन टू थ्री फोर, ठीक है यहाँ दिया हुआ एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री, एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन, क्लियर इतना, ठीक है प्लस वाई माइनस वाई कट गया बच्चा, एक्स और एक्स कितना टू एक्स, थ्री और वन कितना हो गया फोर, तो एक्स की वैल्यू फोर या टू जो मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड में, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी टू आ गई, ठीक है एक्स की वैल्यू कितनी है टू, इसकी वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन या टू कहीं पे भी वन पुट कर देते हैं, ठीक है समीकरण एक में x का मान रखने पर या x बराबर दो रखने पर, ऐसा भी लिख सकते हो या x का मान रखने पर, क्योंकि वैल्यू लिखा मतलब वो मान वाला हम लोग ये लिखे, ठीक है रखने पर, क्लियर है ठीक है। इक्वेशन वन क्या था हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू थ्री था, है ना x की लिखनी है दो, टू प्लस वाई इक्वल टू थ्री, टू उधर चले जाता हो जाएगा वाई इक्वल टू थ्री माइनस टू, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा थ्री माइनस टू मतलब वन, ठीक है जैसे समीकरण एक दो से हम लोग ये बनाए एक्स और वाई की वैल्यू से वैसी इससे बनेगा, डब्लू से डब्लू कट जाएगा तो टू जेड वन जेड हो जाएगा हमारा थ्री जेड, फाइव फोर हो जाएगा नाइन, तो इसको आप लोग इसके आगे बनाना, ठीक है समीकरण दो सॉरी इक्वेशन टू सॉरी थ्री है ना, थ्री है ना तीन व चार को जोड़ने पर, ठीक है इसके बाद की कहानी आप लोग, ठीक है जोड़ देना।
दो बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तीन का आप लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है। दो बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर टू, टू में क्या दिया हुआ है? बी का क्वेश्चन नंबर टू दिया हुआ है, इफ यहां दिया एक्स, थ्री एक्स माइनस वाई, टू एक्स प्लस जेड, थ्री वाई माइनस डब्ल्यू इक्वल टू थ्री टू फोर सेवन, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू थ्री, थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू, टू एक्स प्लस जेड इक्वल टू फोर, फिर थ्री वाई माइनस डब्ल्यू इक्वल टू सेवन, ठीक है। क्वेश्चन वन टू थ्री, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन टू, समीकरण दो से, ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखना, ठीक है। समीकरण दो में क्या है, थ्री एक्स माइनस टू सॉरी माइनस वाई इक्वल टू टू है, ये दिया हुआ है, थ्री एक्स माइनस टू, ठीक है, ये दिया हुआ है, थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू टू दिया हुआ है, ठीक है। थ्री का थ्री, एक्स की वैल्यू कितनी है, तीन है, ये तीन रख दिया मैंने, माइनस वाई इक्वल टू टू, थ्री थ्री था नाइन, तीन दिया नौ, माइनस वाई इक्वल टू टू, नौ उधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस वाई ये टू, नौ इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में, माइनस वाई इक्वल टू दो में से नौ जाएगा तो माइनस सेवन, माइनस माइनस कट जाए तो वाई इक्वल टू सेवन आ गया, ठीक है। अब ये वाई की वैल्यू को मैं यहाँ रख सकता हूँ तो मेरा डब्ल्यू की वैल्यू निकल जाएगा, एक्स की वैल्यू को यहाँ रखूंगा तो जेड की वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन थ्री, समीकरण तीन से, इसमें प्लस माइनस वाला झंझट ही नहीं है, ठीक है। हमारा दिया हुआ इसमें समीकरण तीन दिया हुआ है, दो है ना सॉरी, ये एक था एक, अब समीकरण दो है टू टू, ठीक है। इसमें है टू एक्स प्लस जेड इक्वल टू फोर दिया हुआ है, ठीक है। तो टू एक्स की वैल्यू कितनी है, तीन है ना, एक्स की वैल्यू तीन प्लस जेड इक्वल टू फोर, तीन दूनी छः, थ्री टू था सिक्स प्लस जेड इक्वल टू फोर, जेड इक्वल टू फोर, ये सिक्स हो जाए तो माइनस सिक्स, जेड इक्वल टू हो जाएगा माइनस टू, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से उसका भी निकाल देना, वाई की वैल्यू को इसमें पुट कर देना, ये वाई इक्वल टू जो सेवन है थर्ड वाले में डाल देना, उसको सॉल्व कर लेना।